सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों रिवर मैन टाइप प्रॉब्लम, और इसमें कहा था एक वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो तुम्हें क्लियर है। दैट मीन्स रिवर का जो वाटर है किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा। दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर भी कह सकते हैं, वाटर के रेस्पेक्ट में वो किस वेलोसिटी से स्विम कर रहा है ना। और अगर इफ रिवर इज फ्लोइंग और वो रिवर में स्विम भी कर रहा है तो उसका वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देयर आर थ्री वेलोसिटीज जो तुम्हें समझना है। जैसे अगर मैं कहूं कि रिवर इज फ्लोइंग इन दिस वे, वी आर जी हो गया, और तुम स्विम कर रहे हो ऐसे, तुम स्विम कर रहे हो ऐसे ऐसे जा रहे हो, चाह रहे हो कि तुम ऐसे करके यहां से यहां क्रॉस हो, तुम ये हेड कर रहे हो इधर। और कल हमने समझाया था कि चूंकि रिवर भी इधर फ्लो कर रही है सो तुम फाइनली यहां से यहां क्रॉस नहीं करोगे, तुम फाइनली ऐसे चले जाओगे। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो आज बच्चे अभी कल नहीं ज्वाइन किए थे वो इसको समझे, बहुत ही बेसिक चीज है। यू आर स्विमिंग इन दिस वे बट द होल वाटर इज मूविंग इन दिस वे, सो यू विल बी कैरीड बाय वाटर इन दिस डायरेक्शन, तो तुम यहां के जगह पे यहां पे क्रॉस करोगे। दैट मीन्स तुम्हारा जो वेलोसिटी हो जाएगा, ये तुम्हारा तैरने का वेलोसिटी, स्विम करने का, ये रिवर का फ्लो का, और दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताओ ये विजुलाइज हो रहा है कि नहीं, कि हाँ सर मैं ऐसे स्विम करूंगा तो यहां चला जाऊंगा, पहले ये सोचो, फिर हम फिजिक्स में फॉर्मूला लिखेंगे। फिर हमने कहा था कि ये 2D डायमेंशन, टू डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि इसका मोशन इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। इस डायरेक्शन को हमने बोला था along the river, और इस डायरेक्शन को, इसको, ये डायरेक्शन को बोले थे across the river। across मतलब इधर क्रॉस करना है मुझे, तो अगर तुम्हें क्रॉस करना है तो तुम्हारा कुछ ना कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो होना चाहिए। इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट के लिए इस डायरेक्शन का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है। तुम कुछ इधर भी जाओगे उसके लिए इस डायरेक्शन का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा। बच्चों इसको बोलते हैं जो क्रॉस करना था यहां, तूने क्रॉस किया यहां, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो एक लाइन में सुनना सारे बच्चों, ड्रिफ्ट के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा? वेलोसिटी अलोंग द रिवर। क्रॉस करने के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा? वेलोसिटी इस डायरेक्शन का। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब हम अलग अलग केस लेंगे बच्चों, अलग अलग केस लेंगे। कभी कहेंगे कि उसने ऐसे स्विम किया, कभी कहेंगे कि ऐसे स्विम करना शुरू किया, कभी ऐसे स्विम करेगा, तो क्या होगा? तो डिफरेंट केसेस। सो केस वन, केस वन क्या करना था इस आदमी को, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस वे, रिवर का विड्थ W है, और आदमी ने एक ऐसे स्विम करना शुरू किया,
किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू नेबर। अब ये तीनों में रिलेशंस में पिछले क्लास में बताया था, वी एम जी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन एम स्टार्ट में मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये लास्ट क्लास में, दिस इज आवर फॉर्मूला, एम स्टार्ट में, एम स्टार्ट में, जी लास्ट में, जी लास्ट में, ग्राउंड में बैठा आदमी इस पर्सन के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ये देखा मैन तो ऐसे स्विम कर रहा है बट रिवर इज फ्लोइंग इन दिस वे, सो ये यहां नहीं क्रॉस करके इसका नेट वेलोसिटी हो जाएगा ये वी एम आर प्लस वी आर जी। इसी को हमने कहा ड्रिफ्ट, इसी को कहा ड्रिफ्ट और नेट वेलोसिटी। तो ये आदमी देखेगा कि आदमी इधर जा रहा है, हालांकि मैं इसके जगह पे इसको कंपोनेंट में ही ब्रेक करके देखता हूं। ये जो नेट है उसका दो, ये और ये मिलके बना है। सो व्हाट आई विल से दैट कि कितना टाइम लगा क्रॉस करने में, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ओके सर, इसको डब्ल्यू डिस्टेंस जाना है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी यही है वी एम आर, यही टाइम हो गया। कितना आसान तो है यार। हाँ सर, मैं पूछूंगा ड्रिफ्ट कितना हुआ, ड्रिफ्ट को लिखते हैं एल। मैंने अभी अभी बताया ड्रिफ्ट के लिए इस डायरेक्शन का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है वी आर जी, रिवर तुमको इधर ड्रिफ्ट करते जाएगा, इधर लेता ले जाते जाएगा, कितने देर तक, जब तक तुम क्रॉस ना कर जाओ। एक बार पानी से बाहर निकल गए हो गया काम। सो ड्रिफ्ट विल बी वेलोसिटी है वी आर जी और टाइम जो लगा क्रॉस करने में, दैट मीन्स वी आर जी इंटू डब्ल्यू अपॉन वी एम आर। क्या बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, कितना छोटा है लिख लो इसको। So in this particular case, he is swimming in this direction. So इसका इस direction में velocity अभी maximum है. Velocity maximum है. Velocity maximum. That's why time जो होगा वो minimum होगा. So this is the case for minimum time to cross the river. अब देखो, इसने फिजिक्स नहीं पढ़ा था, इसने सोचा कि हमें तो बस ऐसे स्विम करेंगे यहां निकल जाएंगे, बट वो जब देखा तो देखा कि वो यहां पहुंच गया। अब तुम लोग क्या हो, फिजिक्स पढ़ लियो, अगर मुझे यहां क्रॉस करना, अगर तूने ऐसे स्विम करना शुरू किया तो रिवर तुम्हें इधर ड्रिफ्ट करा देगी, क्या करोगे, क्या लग रहा है, क्या करे कि मुझे यहीं पे क्रॉस करना है, यहां से यहां पे जाना है, what will you do?
थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे, क्या बात है। तो यही देखो, फिजिक्स तो सबको आता है यार, फिजिक्स तो मतलब खून खून में है। बस यही समझना, बस तुम ये रियलाइज करो कि तुझे फिजिक्स आता है, बिना पढ़े हुए भी आता है। सो तुमने कहा कि सर हम इधर में चलेंगे, कि ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी और रिवर का वेलोसिटी ये हो गया वी आर जी, ये दोनों मिला के नेट इधर हो जाए, मतलब तुम स्विम करने का तुम्हारा वेलोसिटी प्लस रिवर का वेलोसिटी मिला करके वी एम जी जो हो जाए वो इधर हो जाए, तो ये सीधे यहाँ क्रॉस कर जाए। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. कितना एंगल पे स्विम करूँ, एट व्हाट एंगल, कितने एंगल पे स्विम करें, है ना? कितने एंगल पे स्विम करें कि तुम यहां क्रॉस कर जाओ, तो तुम कहोगे सर एक्चुअली जो रिवर इधर हमें ड्रिफ्ट करना चाह रही है, तो रिवर के वेलोसिटी को नलिफाई करना है, मतलब तुम्हारा ये जो वेलोसिटी है इसका ये कंपोनेंट वीएमआर का ये कंपोनेंट कौन सा, साइन थीटा, वीएमआर का कंपोनेंट वीएमआर साइन थीटा जो है वो वीआरजी को नलिफाई कर दे, वीआरजी इधर वीएमआर का कंपोनेंट इधर, मतलब ये कंडीशन होना चाहिए। सो यहां से अगर साइन थीटा निकालूं, VRG upon VMR. हाँ बोलो, to cross just opposite point on other bank के लिए क्या करना होगा, तुम ही लोगों ने कहा सर एंगल पे स्विम करेंगे कि नेट वेलोसिटी इधर हो जाए। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो हमने ऐसे समझाया, VMR का दो कंपोनेंट, VMR cos theta और VMR sin theta, VMR sin theta जो होगा VRG को नलिफाई करेगा और VMR cos theta के कारण ये क्रॉस करेगा और VMR cos theta जो है वही नेट वेलोसिटी हो जाएगा, इधर का तो जीरो हो गया। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक, तुम कहोगे सर W कितना टाइम लगेगा, तो W अपॉन वी एम जी, हालांकि इस डायग्राम से तुम्हें यह दिख रहा है कि वी एम जी कितना, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, कैन वी राइट दिस डायरेक्टली, VMR का स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये बेसिस, हालांकि तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये वी एम आर कॉस थीटा जो है वही वी एम जी है, मैंने डायग्राम से डायरेक्टली वी एम जी लिख दिया, इतना कोई बच्चा यहां से लिख सकता है साइन थीटा ये है तो कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेगा तो इतना इज इक्वल टू ये वाला टर्म यही आ जाएगा। केस वन समझ में आ गया, केस टू समझ में आ गया, इस केस में क्रॉस करने का जो पाथ है वो ये है,
इस केस को बोलते हैं क्रॉसिंग द रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। सर सर अगर हमें इसका ड्रिफ्ट यस सर समझे। हाँ सर। अब देखो ये तीसरा केस तुम्हारे दिमाग की बत्ती को जला देगा, जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होगे ना वो पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा अगर ये समझा तो। मैं बच्चों क्या करता हूं ना, मैं कहता हूं कि एक आदमी ना इधर स्विम कर रहा है, इधर ये हो गया VMR, मन किया उसको पिकनिक मनाने का, तो उसने रिवर इज फ्लोइंग इन दिस वे और उसने ऐसा स्विम करना शुरू किया, तो कैन यू गेस कि वो यहां क्रॉस करेगा क्या, इधर हेड कर रहा है, इधर ऐसे ऐसे स्विम कर रहा है, नहीं यहां नहीं क्रॉस करेगा, रिवर का भी तो वेलोसिटी है VRG। तो अभी हमने लिखा था यहां पे VMG, जो नेट वेलोसिटी ग्राउंड का आदमी देखेगा इस मैन का, तो VMR प्लस VRG, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी देखो बच्चों यहां से फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो, ही विल क्रॉस हियर, यहां चला जाएगा। इसका ड्रिफ्ट सलोनी खोज रही थी ड्रिफ्ट, देखो इसमें ये हो जाएगा ड्रिफ्ट, हो जाएगा कि नहीं ड्रिफ्ट, और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास ये जो नेट वेलोसिटी है ना उसका दो कंपोनेंट है बच्चों, दो कंपोनेंट, एक मतलब दो वेलोसिटी, एक ये और एक ये। मुझे निकालना है कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, तो व्हाट वी नीड वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। अमृता समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। वी नीड वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इसका तो कंपोनेंट है नहीं, इसका तो इधर कंपोनेंट जीरो, कौन सा बचा ये? मैं लिखूं यहां पे वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ अक्रॉस द रिवर, तो कहोगे सर ये VMR cos theta और ये VMR sin theta, VMR sin theta, क्या समझा ये? मैं कहूंगा velocity in the direction of along the river, along the river velocity कितना है, जिसको जिसको ये बता देगा मतलब उसको 100% समझ में आ रहा है, कितना है महक along the river, कितना वेलोसिटी है मैन का नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? VRG cos theta, VRG प्लस VMR cos theta, बहुत बढ़िया। देखो VRG तो है ही और VMR का कंपोनेंट cos theta, can we say this is the net velocity of the man along the river? क्या ये सबको समझ में आया क्या? Yes sir. अब देखना जिसको जिसको समझ में आया, मान लो ये विड्थ जो है वो है W,
और मैं पूछूं कि फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर, कौन बताएगा? मैं किससे पूछूं? दर्शिता जैन, दर्शिता, टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या होगा? कौन सा वेलोसिटी के कारण क्रॉस करेगा? बीएमआर साइन थीटा या ये? सर नीचे वाला, नीचे वाला के कारण क्रॉस करेगा। डब्ल्यू अपॉन बीएमआर साइन थीटा। हाँ, पिछले वाली जिसने आंसर दी तो मेरा दिल तोड़ दी। रिवर को क्रॉस करेगा ये वेलोसिटी के कारण, ये वेलोसिटी है वीएमआर साइन थीटा। यार ऐसे मत दिल तोड़ो यार, इतना मन से पढ़ा रहा हूं। दिस इज करेक्ट आंसर। और ड्रिफ्ट किसके कारण हो रहा है? ड्रिफ्ट इसके कारण हो रहा है। सो व्हाट इज ड्रिफ्ट? डी अपॉन वीएमआर साइन। ड्रिफ्ट इस वेलोसिटी के कारण हो रहा है, इधर नेट वेलोसिटी, ये रिवर भी तुम्हें ले जा रहा है और तुम भी जा रहे हो साथ साथ, दोनों मिल जाएगा। ये हो गया नेट वेलोसिटी और इतना इनटू टाइम, टाइम निकाल चुके हैं। सो ड्रिफ्ट हो जाएगा वी आर जी प्लस वी एम आर कॉस थीटा इंटू टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे ना वेलोसिटी इंटू टाइम, डब्ल्यू अपॉन वी एम आर साइन थीटा। बताओ समझा कि नहीं? चलो तो एक छोटा सा सवाल लेते हैं, देखते हैं कि हमारे इंटेलिजेंट बच्चे सॉल्व करते हैं कि नहीं। शुभम गावित, तुमसे ये सवाल है, पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ। ए रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर, तुम लोग भी डायग्राम ड्रॉ करो, बहुत सारे बच्चे डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 2 किलोमीटर। ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये वेलोसिटी जो है वो कौन सा वेलोसिटी है? रिवर की वेलोसिटी। रिवर की वेलोसिटी तो ये है, रिवर इज ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर, दिस इज वी आर जी। ये बच्चों वी एम आर, मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद दिस स्पीड, दिस इज वी एम आर। और वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि यहां से यहां पे क्रॉस करे, उसने फिजिक्स पढ़ लिया है, फिजिक्स पढ़ लिया है, उसको क्रॉस यहां पर करना है, ही हैज टू क्रॉस एट दिस पॉइंट। So he should swim in certain direction, ऐसे स्विम करना होगा। कितने एंगल पे स्विम करे, what should be theta, then find direction in which he should swim। दूसरा find time taken to cross the river। तो शुभम सॉल्व करके मुझे मैसेज करो। ये हो गया VMR और ये हो जाएगा VRG। डायग्राम जरूर ड्रॉ करो और दिस इज द रिजल्टेंट VMG। तो हमने बताया था कि क्या करना चाहिए बच्चों, मैन का जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है रिवर के वेलोसिटी को नलीफाई करे, VMR थीटा ये एंगल लिए है तो इतना लिखेंगे साइन थीटा। VMR is 5, sin theta is equal to, VRG कितना दिया है 4,
तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 53 डिग्री। कुछ 37 ही बोला है, मैं उसको मानता हूं कि सही ही बोला है, बिकॉज उसने हो सकता है थीटा यहां से लिया हो, तो मैं बोलूंगा 53 डिग्री फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, है ना। कोई कहेगा कि 37 डिग्री फ्रॉम अप द स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड अप द स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड डाउन द स्ट्रीम। सो इसको ऐसे बोलेगा 37 डिग्री फ्रॉम अप द स्ट्रीम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। गुड, तो पहला तो सॉल्व हो गया। तो 53 डिग्री कहां से वो बताना है। अब मेन चीज है कि टाइम कितना लगा क्रॉस करने में। तो मैंने कहा किसका ये कंपोनेंट, या डायरेक्टली वीएमजी यहां से देखोगे तो तुम्हें यहां दिख रहा है कितना वीएमजी, वीएमआर का स्क्वायर माइनस वीआरजी का स्क्वायर का रूट। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये है 4 माइनस 4 स्क्वायर का रूट, 25 माइनस 16 9, तो हो जाएगा 9 का रूट 3 किलोमीटर पर आवर। और नहीं तो कोई ऐसे भी कर सकता था, इसका कंपोनेंट इधर वीएमआर कॉस थीटा, दिस इज नेट वेलोसिटी, वीएमआर कॉस थीटा, और थीटा 53 है तो वीएमआर मतलब 5 और कॉस 53, 3/5 होता है तो 3। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दो चीज नहीं बता रहे, एक ही चीज को दो तरीके से बता रहे। सो टाइम विल बी 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वीएमआर कॉस थीटा, that is equal to 2 divided by root under VMR square minus VRG square, हो गया 2 किलोमीटर, हो गया किलोमीटर पर आवर, हो गया 2/3 आवर। देखो ये किलोमीटर किलोमीटर गया, आवर चला गया, that means 2/3 into 60 मिनट। मेडिकल वालों को बहुत ध्यान से पढ़ाना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू 40 मिनट। ऑप्शन में 40 मिनट रहेगा तो टिक कर दोगे। यस सर, समझा। ठीक है, साक्षी साक्षी, ये सॉल्व हुआ तुमसे खुद से हुआ कि नहीं हुआ, ये आप समझ में आया कि नहीं? नहीं आ रही आवाज, चलो दूसरा सवाल लेते हैं। Man can swim in still water, सिर्फ डेटा देता हूं, that is 6 किलोमीटर पर आवर। सिक्स किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है। रिवर इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड, फोर किलोमीटर पर आवर।
find time to cross the river if he's swimming in the direction degree up the stream. बात बराबर है, इधर 30 लिखो या इधर 60 लिखो, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इसको सॉल्व करता है। अच्छा, इसमें करना ही क्या है, जो वेलोसिटीज है उसको हम इधर और इधर में रिजॉल्व कर रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं। ये जो डायरेक्शन है रिवर का फ्लो का, ये तो है ही। इधर कितना है रिवर का वेलोसिटी, 4 किलोमीटर पर आवर है। और देखो ये मैन ने इधर स्विम करना शुरू किया, यहां से 60, इसका दो कंपोनेंट, वीएमआर कॉस 60 इधर और वीएमआर साइन 60 इधर। तो जो रिवर को क्रॉस करेगा वो वीएमआर साइन 60 के कारण करेगा। सो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर ये 900 मीटर है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको लिखेंगे 0.9 किलोमीटर डिवाइडेड बाई वीएमआर साइन 60। So answer will be 0.9 divided by 0.6 into root 3 by 2, है ना? So 0.9 divided by 3 root 3 hour. That means कितना हो जाएगा, root 3 into 6 मिनट। देखो तो सही लिखा क्या, सिक्स रूट थ्री मिनट, इज इट करेक्ट? यस सर, करेक्ट सर। यस सर, करेक्ट मिनट, दिस इज योर आंसर। मैं पूछूंगा कि फाइंड ड्रिफ्ट, देखते हैं ड्रिफ्ट कौन बताता है। और ऐसा ड्रिफ्ट के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, तो 4 इधर है और इसका ये कंपोनेंट, तो नेट वेलोसिटी अलोंग द रिवर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 जो टाइम है होता ही है, 1 बाय cos 60 1 बाय 2, इतना इतना इनटू टाइम, इतना इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1, है ना? तो 1 किलोमीटर पर आवर इनटू 0.9 डिवाइड बाय 3 रूट 3 आवर, आवर आवर गया, कितना हो जाएगा बच्चों ये, हो जाएगा 0.1, या मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं 100 रूट 3 मीटर, दैट मीन्स 173.2 मीटर। क्या ये सही लिखा? यस सर। कैलकुलेशंस तो करने, ऐसे सवाल आ सकते हैं, इतना डेटा भी आ सकता है ऐसा रूट 3 वाला टर्म।
अब बच्चों समझना एक चीज, मैंने कहा कि तुझे जस्ट अपोजिट पॉइंट पे क्रॉस करना है, तुझे जस्ट अपोजिट पॉइंट पे क्रॉस करना है, तूने ऐसे स्विम किया और इतने एंगल पे स्विम किया कि तुम्हारा वेलोसिटी का कंपोनेंट रिवर के फ्लो को नलीफाई कर दिया। लेकिन सोचो बारिश का मौसम है और रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा है, मतलब तुम अगर स्विम कर रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर से, रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, तुम्हें क्रॉस करना है। मतलब मैं केस ले रहा हूं कि इफ वी आर जी इज ग्रेटर देन वी एम आर, तुम जिस स्पीड से स्विम कर सकते हो उससे ज्यादा स्पीड है, क्या तुम्हारा कंपोनेंट कभी वी आर जी को नलीफाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में जीरो वेलोसिटी, तो तुम किसी भी हालत में नहीं लाओगे। तुम कहोगे सर मैं इधर भी स्विम करना शुरू कर दिया तो भी रिवर तुम्हें उधर लेके चला जाएगा। दैट मींस ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट विल बी इनेविटेबल। ड्रिफ्ट तो होगा ही होगा, ड्रिफ्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हो। Am I right, बच्चों? अगर VRG VMR से ग्रेटर है तो तुम चाहोगे कि हम यहीं पे क्रॉस कर जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट तो होगा। तो तुम क्या करोगे, तुम किसी एंगल पे स्विम करना चाहोगे और VRG ये रहा, VRG देखो थोड़ा बड़ा बना दिया, सो यू विल क्रॉस हियर। तो इस केस में मुझे ये बताओ निकाल करके कि सर इस केस में बताओ टाइम क्या होगा, ये हो गया VMR, और ड्रिफ्ट इस केस में क्या होगा ये डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो लिखो इफ दिस इज देन ड्रिफ्ट इज इनइविटेबल। सो यहां पे हमें देखना है कि कम से कम ड्रिफ्ट क्या हो, तो एट व्हाट एंगल वी शुड स्विम सो दैट हम ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर लें। ये थोड़ा सा टफ सवाल तुम्हारे लिए होगा। पहले तो मैं लिखता हूं टाइम, तुम लोग बताना है कि सही लिख रहा हूं कि नहीं। तुम लोग भी अपने से खुद से लिखो। डब्ल्यू अपॉन वीएमआर कॉस थीटा, कॉस थीटा VMR cos theta। एकदम बढ़िया, तुम लोग भी अपने मन से लिखो अपने नोटबुक में। L क्या लिखें? कहोगे सर VRG है उधर, और यहाँ माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं ये मुझे बताना। VMR sin theta, ये माइनस है सही लिखा है या प्लस लिखना चाहिए मुझे? नहीं सर, माइनस ही बराबर है सर। बराबर है, गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इनटू टीटी कितना बच्चों? डब्ल्यू अपॉन वीएमआर कॉस थीटा है ना। देखो जो ड्रिफ्ट है वो किसका फंक्शन है? ड्रिफ्ट जो है वो थीटा का फंक्शन है। अलग अलग थीटा पे स्विम करोगे तो अलग अलग ड्रिफ्ट होगा। मुझे ये चाहिए व्हाट शुड बी थीटा फॉर मिनिमम एल। सर सिंपल है, L is function of theta और maximum minimum के लिए क्या करेंगे? dl by d theta should be zero. That means d by d theta of
इसको इधर लेके आते हैं वी आर जी वाइस कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा सेक थीटा और इसको इधर लेके आए गए तो वी एम आर टैन थीटा और बाकी तो W बाई वी एम आर कॉन्स्टेंट रहेगा तो इतना इज इक्वल टू जीरो। इसी को ऐसे लिख दिया बच्चों ये कॉस थीटा को अंदर ले लिया और W बाई वी एम आर तो ऐसे रखा है जीरो करेंगे तो उधर जाके जीरो होगा तो लिखा नहीं। ये समझने वाली चीज है ये कहां से आया कब पढ़ाया है क्या हम ये कॉन्सेप्ट वी आर जी सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कुछ पता है किसी को किससे पूछूं सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा गुड सेक थीटा इनटू टाइम थीटा और मैं दूसरा पूछूंगा वो जिससे पूछूंगा वही बताएगा वी एम आर टाइम थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में किसका नाम लूं मानसी परदेसी टाइम थीटा का डिफरेंशिएशन मानसी क्या सुन पा रही हो नहीं आया तो बोल देना कि नहीं आ रहा है कुछ कर थोड़ी पाऊंगा So, sec थीटा का लिख लिया tan थीटा का निकिता ने बताया कि sec स्क्वायर थीटा होता है यहां से sec स्क्वायर थीटा कॉमन लिया कहोगे सर sec थीटा है तो स्क्वायर कहां से कॉमन लिया tan थीटा जो है sin थीटा बाई cos थीटा है cos थीटा को sec थीटा लिखेंगे तो ये कॉमन वी आर जी sin थीटा माइनस वी एम आर sec स्क्वायर थीटा कॉमन दिस इज इक्वल टू जीरो दिस इक्वल टू जीरो साइन थीटा ही आ गया वी आर जी हमने केस ही लिया था कि वी आर जी ग्रेटर है तो ये लेस देन वन है क्वांटिटी कुछ बच्चों ने मैं जिन बच्चों को यहां पे डब्ल्यू अपॉन वी एम कॉस थीटा जो लिखा है वो यहां पे कंजस्टेड हो गया है तो मैंने उसको यहां पे लिख दिया डब्ल्यू बाय वी एम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया जैसा रिवर माइन कहा वो रिवर बोट भी होता है जिसे मैंने माइन का स्विम कहा कोई कर रहा है बोट को रो कर रहा है ना तो एक सवाल लेते हैं देयर इज अ फिक्स्ड स्टेशन इन द मिडिल ऑफ ए रिवर और यहां पे बहुत सारे बोट लगे हैं एंड बोट ट्रेवल्स विद स्पीड तो बोट है वो वी बी से मूव कर सकता है किसमें स्टिल वाटर में मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में उसका जो स्पीड है वो वी बी है दो बोट है एक बोट ए है और एक बोट बी है बोट एंड रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी आर एक बोट क्या किया वन बोट गोज डाउन द स्ट्रीम बाय सम डिस्टेंस एल एंड देन रिटर्न बैक टाइम ऑफ जर्नी इज टी ए बोट ए मूव्स डाउन द स्ट्रीम by some distance L and
turns back. Its time of journey is, साथ साथ लिखते जाओ. अपने सर मुझे बताया था कि जैसे ही टाइम होता है ना, बच्चे ना निकलना शुरू हो जाते हैं. देखो 27 से 21 हो गए. मतलब सिर्फ मम्मी पापा को दिखाने के लिए कि हाँ क्लास चल रहा है. 10:45 तक टाइम था, 10:55 होने वाला है. Another boat B एक दूसरा बोट बी है जो across the river move किया across the river and then return back. Another boat B moves in the direction perpendicular to the flow by same distance and return back to the station. Its time of journey is TB. तो TA upon TB कितना होगा? Yes sir. इसको मिटा रहा हूं. समझ में आ गया कि क्या निकालना है. सो थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो. मुझे ए का जर्नी टाइम निकालना है. तुम कहोगे सर जिस समय ये इधर जा रहा है, व्हेन इट इज गोइंग डाउन द स्ट्रीम, एल डिस्टेंस जाना और वेलोसिटी होगा वी बी प्लस वी आर, होगा कि नहीं? जाते समय इस स्पीड से गया, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा. लेकिन जब वापस आना आया तो उसकी हालत खराब हो गई. वीवी से इधर रो कर रहा और रिवर उसको इधर ड्रिफ्ट करा रहा है वीआर से. इसका नेट वेलोसिटी कितना होगा? वीबी माइनस वीआर. तो आने का टाइम ज्यादा लगेगा, इतना लगेगा. तो ये हो गया टीए, निकल गया. इसको सॉल्व कर लो. इसको सॉल्व करोगे तो ये एल बाहर, ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर डिनोमिनेटर, और ऊपर हो जाएगा 2VB. तो वैसे टीवी तो निकाल के दिखाओ अच्छा. ये बोट जो है ना इधर गया, तो अगर इधर रो करता तो इधर चला जाता. तो बोट मस्ट बी रोइंग इन दिस डायरेक्शन एट सर्टेन एंगल थीटा सो दैट इट्स नेट वेलोसिटी विल बी अलोंग दिस. अरे ये तो हमने किया. तो बताओ ये जो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों? वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर का रूट होगा कि नहीं? यस सर. आने का टाइम लगेगा एल अपॉन वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर का रूट, जाने का टाइम. अब यहां पहुंच गया, अब आना चाह रहा है. अगर ये ऐसे रो करेगा तो इधर चला जाएगा. सो ही अगेन मस्ट रो इन दिस वे. इसका फिर VB और VR मिलके इधर हो जाए तो फिर से वही आ जाएगा रिजल्ट.
तो आने का टाइम भी उतना, तो टीबी हो जाएगा दिस, टीए निकल गया, टीबी निकल गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस आज आज का लास्ट सवाल बच्चों, जो कॉन्सेप्ट अभी रिवर बोट में किया ना वही कॉन्सेप्ट होता है एरोप्लेन एंड विंड। ठीक है, बच्चों मान लो कि दिस इज मतलब एक सपोज सिटी ए है और दूसरा सिटी बी है, ठीक है समझना है इसको, और ए से बी जाना है तो क्या होगा, एरोप्लेन अपना हेड इधर करेगा एंड देयर एरोप्लेन विल फ्लाई इन दिस वे और बी के पास पहुंच जाएगा। मान लो एरोप्लेन का प्लेन का वेलोसिटी पी है तो टाइम लगेगा डिस्टेंस ए बी अपॉन वी पी, लेकिन सोचो वंस विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग और एरोप्लेन किसमें फ्लाई करता है, विंड में, एयर में, है ना, तो क्या लगता है कि अभी भी एरोप्लेन ऐसे पहुंच जाएगा यहां कि अगर विंड ऐसे ब्लो करना शुरू किया और ये जो पायलट है बेचारा फिजिक्स बिना पढ़े पायलट बन गया अगर, है ना, किसी नेता का बेटा होगा तो क्या होगा, ये बी के जगह पे ये कहीं पहुंच जाएगा सी के पास, पहुंचेगा कि नहीं? हाँ सर, यस सर। जा रहा था मुंबई से दिल्ली, चला जाएगा योगी जी के सरकार में लखनऊ, है ना, लेकिन जो बच्चा मेहनत करके अच्छा से पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, तो कहा अच्छा विंड इधर ब्लो कर रहा है तो ही शुड हेड द प्लेन इन दिस वे कि वीपी इधर रहेगा और इतने एंगल पे प्लेन को फ्लाई करेगा कि ये वीडब्ल्यू और वीपी मिलके नेट वेलोसिटी इधर हो जाए, इजंट इट, तो यहां पहुंचेगा, ही शुड फ्लाई द प्लेन एट सर्टेन एंगल। तो बताओ कॉन्सेप्ट तो सेम ही है कि नहीं है? हाँ सेम ही है, वही होगा। तो लेकिन अब एक सवाल तो बनता है यार, थोड़ा सा टफ, मान लो ये सपोज हो गया बच्चों मुंबई और दिल्ली इधर नहीं, थोड़ा इधर है दिल्ली, दिस इज दिल्ली, ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट, मान लो मुंबई से दिल्ली जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से लेट्स कुछ एंगल पे है, सपोज 60 डिग्री पे है, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया तो ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। अब मुंबई से प्लेन में बैठा, दिल्ली जाने के लिए द प्लेन शुड हेड इन दिस डायरेक्शन और प्लेन विल रीच हियर, बट सपोज विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन दिस वे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया, आज का सीख लिया मतलब आज का क्लास सफल है, जो बच्चे निकल गए वो मिस करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ, सो विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, लेट्स इसका वेलोसिटी है VW, अगर प्लेन को इधर फ्लाई किया बच्चों तो ये इधर और इधर मिलके इधर चला जाएगा, चंडीगढ़ पहुंच जाएगा ये दिल्ली के जगह, चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है? पंजाब, 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 पंजाब। चलो तो अगर विंड इधर ब्लो कर रही है तो प्लेन को किधर हेड करना चाहिए बच्चों, मैं डायरेक्शन बोलता हूं, 1, 2 या 3? थ्री, बहुत बढ़िया, 3। थ्री मतलब प्लेन शुड फ्लाई
at certain angle theta with this direction, कि ये velocity of the plane और wind दोनों मिला के जो net velocity है वो इधर हो जाए, है ना? एकदम बढ़िया, एकदम सही समझ में आ रहा। तो ये थीटा कैसे होगा, ये तो थोड़ा मुश्किल वाला सवाल है, तो मैं समझाता हूं इसको। तुम्हारा टारगेट है कि नेट वेलोसिटी इधर होना चाहिए, मतलब नेट वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। नेट वेलोसिटी इसका इसका रिजल्टेंट इधर होना चाहिए, मतलब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, जीरो। इधर होना चाहिए नेट जीरो, मतलब वीपी का ये कंपोनेंट वीपी साइन थीटा, और ये बच्चों 30 डिग्री है, तो वीडब्ल्यू साइन 30। क्लियर हुआ क्या? यस सर। वीपी साइन इस डायरेक्शन में नेट नेट वेलोसिटी शुड बी जीरो, तो वीपी साइन थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू साइन 30। ये होना चाहिए, तो यहां से थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू साइन 30 डिवाइड बाई वीपी। इतना एंगल पे यहां से इधर स्विम का प्लेन को फ्लाई करना पड़ेगा। अगर ये डिस्टेंस सपोज एल है, अगर ये डिस्टेंस एल है तो टाइम कितना लगेगा जाने में, तो इसका नेट वेलोसिटी इधर कितना हो जाएगा। देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत फोकस करने के लिए कहा था, वी डब्ल्यू कॉस 30 और वी पी कॉस थीटा। वी डब्ल्यू cos 30 प्लस vp cos थीटा। अच्छा वेक्टर मैंने नहीं पढ़ा रहे तुम लोगों को? नो सर, नो सर। चलो वेक्टर जब मैं पढ़ाता हूँ तो रिजोल्यूशन पे बहुत फोकस करने के लिए कहता हूँ, कहता हूँ रिजोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आज का क्लास यही फिनिश हो गया।